नमस्कार। अभी हम खड़े हैं भारत नेपाल सीमा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन परिसर में, जहां नेपाली रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक महोदय श्री शरवण कुमार जी हमारे साथ हैं। आज भारत नेपाल के बीच डीएमयू ट्रेन परिचालन का पूरे एक साल बीत गया है। इस एक साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों की परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों का सुधार हुआ। इसी संबंध में हम शरवण जी से जानेंगे कि एक साल का साल कैसा रहा। शरवण जी, सबसे पहले स्टार्टअप न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। आज जो है ट्रेन परिचालन का पूरे एक साल हो गया है और इस एक साल में बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव आया। यात्रियों की मांग रही है कि दो समय के गलत तीसरे समय जो है तीन टाइम जो है ट्रेन का परिचालन किया जाए, इस पर जो है आप क्या कहें। नमस्कार, ये आपने जो बात बताया बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में दो बार परिचालन अभी चल रहा है दिन में, तो उसको जब तीन बार जब हमको लगता है कि ज़्यादा भीड़ है तो हम लोग तीन बार उसको करता है। जैसे हम लोगों ने होली में किया, जब होली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, या अन्य जब समय के टाइम पे, या त्यौहार के समय जब ज़्यादा आदमी हम तीन फेल कर रहे हैं, चार फेल कर रहे हैं। अभी तक पूरे एक साल के दरमियान में ये रहता है, यहाँ से जयनगर इनरबार इसके बाद बदरी खोजरी होते हुए जनकपुर भाया कुर्ता तक ट्रेन का परिचालन किया जाता है। एक सुबह में जाती है, फिर दिन में पुनः वापिस आती है, फिर शाम के समय जाती है, फिर पुनः वापिस आती है। ये जो आप बताएं कि एक साल में जो है कितने बार आप और कितने बार ट्रेन का परिचालन किया गया और कितने यात्रियों ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय रेलखंड पर चलने वाली ट्रेन में कुछ का फायदा गिनने का फुर्सत है। हमारा जो अभी ट्रेन का जो सेवा चल रही है वो दिन में दो बार चल रही है, तो जो दिन में दो बार चल रही है हमारे एक साल में दो बार ट्रिप हो गया और सिंगल सिंगल जब भी कभी भी जब जब त्यौहार का समय आया जैसे ज़्यादा भीड़ का समय आया उस समय हम लोगों ने डबल फेरी भी हम लोगों ने किया है। डबल फेरी में जो हमारा जो परिचालन किया था 125 बार किया है और इसमें यात्री की संख्या अगर 15 लोग मतलब अनुमान ले रहे हैं, हमारे अनुमान के हिसाब से 5 लाख यात्री जाते समय लिया जनकपुर से अनुमान ले रहे हैं, हमारे अनुमान के हिसाब से 5 लाख यात्री जाते समय लिया जनकपुर से जयनगर से जनकपुर के लिए 5 लाख गया, जनकपुर धाम से जयनगर के लिए 5 लाख, यानी लगभग 10 लाख यात्रियों ने हमारा जो रेल परिचालन में उन्होंने यात्रा की। चलिए शरवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक क्वेश्चन फिर आपसे जो है जानना चाहेंगे कि जयनगर रेलखंड पे चापाकल का अभाव, यात्रियों को जो है पानी पीने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर जो है आपका क्या है। जी, हमारे यहाँ पर अभी गर्मी का सीजन भी शुरू हो गया और पानी के लिए हमारे यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, लेकिन वो अभी तब इसे सौ मीटर भी नहीं चल रहा है। और जो अपूर्ण जो हमारे बहुत जोर जोर लगे हैं वो भी अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में नेपाल जो हमने मदद करा दिया गया है और हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन रेलखंड पर चलने वाली डीएमयू ट्रेन जो भारत से चलकर नेपाल को जाती है, आज इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन पूरे एक साल हो गया। कोरोना काल में इसको बंद कर दिया गया था, दर्जनों परेशानी के साथ इस रेलखंड को जो है पुनः ट्रेन का बहाल किया गया है, पुनः ट्रेन का परिचालन किया गया है। आज पूरे एक साल हो चुका है डीएमयू ट्रेन का परिचालन का और दो समय जो है ट्रेन का परिचालन होता है, सुबह और शाम। यात्रियों की मांग रही है कि इसको तीन समय ट्रेन का परिचालन किया जाए और यात्रियों द्वारा नेपाल सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि इस ट्रेन का परिचालन तीन समय किया जाए। अभी दो समय इसका परिचालन किया जाता है। आज पूरे एक साल अपना लंबा समय अवधि जो है पूरा किया है, 365 दिन, 10 लाख से ज़्यादा यात्री इस रेलखंड पर जो है सफ़र कर चुके हैं और
पर्व त्यौहार में दो के बजाय तीन रेल का परिचालन किया जाता है। इस रेलखंड पर समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है, यात्री सेट की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, जो यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेपाल सरकार को चाहिए कि जल्द इस रेलखंड पर यात्री सेट, चापाकल की व्यवस्था और खाने पीने की सामान की व्यवस्था करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है रहते हैं उसको खाने पीने की सामान की व्यवस्था नहीं होती। अभी जयनगर से नेपाल के लिए ट्रेन का परिचालन किया गया है। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार गुप्ता।